मुझे कई बार इंस्टाग्राम में लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप इतने अच्छे इतने स्मूथ बीरोस कैसे लेते हो, जानना चाहते हो सीक्रेट? इससे जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली मैं सारे के सारे वीडियोस जो है एक ट्राइपॉड से लेता हूँ, बट मैं बहुत लंबे टाइम से एक मोटराइज स्लाइडर ढूंढ रहा था ताकि मैं उससे और बेटर और यहाँ पे क्रिएटिव शॉट्स ले पाऊँ। और इंडिया में जितने सारे स्लाइडर्स आते हैं ना, या तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं मैनुअल स्लाइडर्स, या तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं बट मोटराइज स्लाइडर, जहाँ पे बहुत सारे वायर्स एंड आपको अलग से मॉड्यूल वगैरह लगाने पड़ते हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं ना, जिनको यहाँ पे डेली का वीडियो बनाना रहता है, उनको उतना टाइम नहीं होता है कि दो ट्राइपॉड के ऊपर एक स्लाइडर रख के उसको यहाँ पे सेटअप करो शूटिंग के बाद एंड अलग अलग एंगल्स पे यहाँ पे सेट करो, उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो मैं बहुत ही लंबे टाइम से एक कॉम्पैक्ट मोटराइज स्लाइडर ढूंढ रहा था जिसको यहाँ पे सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो और बेसिकली डे टू डे यूज में मैं उसको आराम से यूज़ कर पाऊँ, यहाँ पे मेरे को बहुत सारा वायर लगाने का झंझट ना करना पड़े, या फिर उसको यहाँ पे वॉल सॉकेट से यहाँ पे कनेक्ट करने का बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। और फाइनली मुझे वैसा स्लाइडर मिल चुका है जैसे कि मैं ढूंढ रहा था। दिस इज द वाईसी अनियन चॉकलेट एसी। ये थोड़ा सा कॉस्टली तो है बट ये टोटली एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। ये बैटरी से भी चलता है, ये आपके पावर बैंक से भी चल जाता है, यहाँ पे वॉल सॉकेट लगाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ऊपर से ये ऐप कंट्रोल है, तो आप अपने मोबाइल से इसको यहाँ पे कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। और इस स्लाइडर को लेने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, इसलिए इसको सेटअप करना काफी आसान है, जो कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए जिनको यहाँ पे डेली का वीडियो बनाना रहता है उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसके बॉक्स में आपको मिलता है एक छोटा सा कार्ड पहले, उसके बाद आपको एक नायलॉन का पाउच देखना मिल जाता है इसको यहाँ पे कैरी करने के लिए, एक आपको यूजर मैनुअल देखना मिल जाता है इसके साथ, और एक आपको डीसी टू यूएसबी केबल देखना मिल जाता है इस स्लाइडर को यहाँ पे पावर बैंक से या फिर आपका मोबाइल चार्जर से यहाँ पे चलाने के लिए। और फाइनली आपको देखना मिल जाता है ये स्लाइडर जो कि काफी कॉम्पैक्ट है एंड यहाँ पे ज्यादा हैवी भी नहीं है, इट ओनली वेट्स अराउंड 907 grams। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो ये जो स्लाइडर है ये काफी एक छोटा स्लाइडर है, तो जाहिर सी बात है ये जो स्लाइडर है ये सबके लिए नहीं है, ये स्लाइडर उनके लिए बेस्ट है जो यहाँ पे प्रोडक्ट शूट वगैरह करते हैं या फिर डे टू डे एक एवरेज यूट्यूबर है जिनको यहाँ पे अपने शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत मोशन चाहिए, उनके लिए ये जो स्लाइडर ये परफेक्ट चॉइस है। मुझे पहले पहले ये जो स्लाइडर है थोड़ा बहुत छोटा लग रहा था, बट आफ्टर यूजिंग दिस स्लाइडर फॉर अ वीक नाउ मुझे लगता है कि इसका जो साइज है वो ठीक ठाक है। ऑल्दो मैं स्टिल यहाँ पे विश करता हूँ कि अगर ये स्लाइडर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता तो मेरे हिसाब से एकदम एक परफेक्ट चॉइस बन जाता। ये वाला जो स्लाइडर है ये एक होल मेटल बेल्ट के साथ आता है, चाहे आप इसका जो यहाँ पे टॉप प्लेट की बात कर रहे हो या फिर इसका जो होल बॉडी है उसकी बात कर रहे हो, पूरा ही जो स्लाइडर है वो यहाँ पे मेटल बेल्ट के साथ आता है। सिर्फ इसका जो यहाँ पे कंसोल सेक्शन है जहाँ पे आपको इसके सारे के सारे बटन्स एंड LEDs देखने मिल जाता है, वो सेक्शन सिर्फ यहाँ पे प्लास्टिक का बना है, बाकी पूरा जो यहाँ पे स्लाइडर है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग एंड बहुत ही अच्छा मेटल बेल्ट के साथ आता है। एंड ऑनेस्टली मुझे कुछ ऐसे स्लाइडर चाहिए था जो कि दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफेशनल लगे एंड ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर्स वगैरह यहाँ पे अटैच करना ना पड़े, एक पोर्टेबल एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्लाइडर को यहाँ पे पिक किया है। इसका कंट्रोल में यहाँ पे चार बटन देखने मिल जाता है आपको, जिसके जरिए आप इस स्लाइडर को यहाँ पे कंट्रोल करने वाले हो, इंक्लूडिंग पावर बटन। एंड यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर देखने मिल जाता है, एक आपका पावर इंडिकेटर और दूसरा आपका ब्लूटूथ इंडिकेटर। तो अगर आप इस स्लाइडर को यहाँ पे अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हो तो इसका जो ब्लूटूथ इंडिकेटर है वो यहाँ पे जल जाएगा, बाकी अगर आप इस स्लाइडर को इसका कंसोल सेक्शन से यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कनेक्ट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो सबसे वर्सेटाइल यहाँ पे ऑप्शन रहता है कनेक्टिविटी में वो रहता है एक रिमोट, जो कि इस स्लाइडर के साथ यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऐप कंट्रोल एंड यहाँ पे बटन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। RF रिमोट वाला फंक्शन अगर आपको इस स्लाइडर में मिला होता तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहता। स्लाइडर का इस साइड आपको इसका बैटरी कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जो कि स्लाइडिंग डिजाइन में है। यहाँ पे आपको सोनी का NPF 550 बैटरी लग जाता है और एक 2900 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे 6 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर आपके पास सोनी का NPF 550 बैटरी नहीं है या फिर आप इसको बैटरी से पावर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको किसी भी तरीके का पावर बैंक से भी यहाँ पे पावर अप कर सकते हो बहुत ही आसान से, इसके साथ आया हुआ DC to USB केबल के जरिए।
है तो उस केस में अपटू 20 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा आपको इस लाइडर से, डिपेंडिंग ऑन कि आप 10 mAh का पावर बैंक यूज कर रहे हो या फिर 20 mAh का। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे मेरे को किसी भी तरीके का वॉल सॉकेट से इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, इसको यहाँ पे पावर अप करने के लिए टोटली ऑन द गो है, टोटली पोर्टेबल है, आप कहीं भी रख के सेटअप कर सकते हो एक पावर बैंक के जरिए। आपको यहाँ पे वॉल अडाप्टर या फिर किसी भी तरह का फोन चार्जर या फिर एक्स्ट्रा करके पावर बैंक यहाँ पे कैरी नहीं करना पड़ता है इस स्लाइडर के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली आप इस स्लाइडर में डायरेक्टली अपना कैमरा को माउंट नहीं कर सकते हो बिकॉज इसका जो यहाँ पे टॉप प्लेट है या फिर टॉप प्लेट माउंट जो है वो यहाँ पे एक 3x8 का स्क्रू माउंट के साथ आता है जिसमें आपको सबसे पहले एक बॉल हेड लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके यहाँ पे कैमरा को यहाँ पे माउंट कर सकते हो। तो अगर आप ये वाला स्लाइडर ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक बॉल हेड भी ले लेना जो कि आपको 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये कॉस्ट करेगा, तो उसके बाद जो आप इस स्लाइडर को यूज कर सकते हो। एंड इसका जो यहाँ पे कैमरा माउंटिंग प्लेट है वहाँ पे आपको एक बबल हेड भी देखने मिल जाता है आपके लेवलिंग के लिए जो कि काफी अच्छी बात है। इसका पीछे के साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 1x4 एंड 3x8 दोनों ही तरीके का यहाँ पे होल माउंट देखने को मिल जाता है, इसको यहाँ पे आपके ट्राईपॉड में या फिर किसी भी तरीके का और सरफेस में यहाँ पे माउंट करने के लिए, या फिर आप चाहो तो इसको अपने टेबल टॉप पे रखकर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपको 4 रबर फीस देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप इसको डायरेक्टली टेबल के ऊपर रख के यहाँ पे किसी तरीके यहाँ पे मैक्रो शॉट या फिर प्रोडक्ट वीडियोग्राफी कर सकते हो। अब इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन पे आप बिल्कुल भी मत जाओ बिकॉज ये वाला जो स्लाइडर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन दो ये स्लाइडर जो है सिर्फ 5 वोल्ट लेता है इसको यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए, बट ट्रस्ट मी ये वाला जो स्लाइडर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इसको फ्लैट सर्फेस पे यूज करोगे लाइक टेबल के ऊपर या फिर किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज करोगे तो ये वाला जो स्लाइडर है वो अप टू 20 kg का यहाँ पे वेट को जो यहाँ पे लिफ्ट कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा होता है, लाइक 20 kg का आपका पूरा का पूरा कैमरा का वेट एंड बड़े बड़े लेंस का वेट भी नहीं होता है। बट अगर आप इसका जो एंगल है उसको यहाँ पे 45 डिग्री पे यूज करते हो कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे ये वाला जो स्लाइडर है वो अप टू 3 kg का यहाँ पे वेट को लिफ्ट कर सकता है। स्टिल यहाँ पे आप जो है 45 डिग्री एंगल पे भी जो बड़े बड़े कैमराज एंड बड़े बड़े लेंसेज हैं उसको भी यहाँ पे बहुत आराम से यूज कर सकते हो। बात करते हैं 90 डिग्री एंगल्स की, जब आप इस स्लाइडर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज करोगे एकदम 90 डिग्री वर्टिकली यूज करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो स्लाइडर है वो अप टू 2.5 kg तक यहाँ पे वेट को जो है यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पे आप इस पोजीशन में भी आप बड़े बड़े कैमराज एंड बड़े बड़े लेंस को भी यूज कर सकते हो इस स्लाइडर के साथ। और मैं इसको लेने से पहले कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, वहाँ पे एक बंदे ने जो है 70-200 mm का लेंस विद सोनी A7 III के साथ यहाँ पे टेस्ट किया था इसको 90 डिग्री एंगल पर, फिर भी भाई इस स्लाइडर को यहाँ पे उस तरीके सेटअप को यहाँ पे लिफ्ट करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरीके यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ा इस स्लाइडर में। तो मानना पड़ेगा ये जो स्लाइडर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड किसी तरीके आप ब्रेक लगा रहे हो उसके ऊपर इट विल टोटली लिफ्ट अप। वैसे ये स्लाइडर तो यहाँ पे पूरा पूरी यहाँ पे 27 cm का है बट इसका जो एक्चुअल ट्रैकिंग डिस्टेंस है या फिर ट्रैकिंग सरफेस है वो है अराउंड 20 cm का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। और बात करें इस स्लाइडर के कंट्रोल्स की या फिर कनेक्टिविटी की तो आप इस स्लाइडर को यहाँ पे इसका जो बटन्स दिया गया है यहाँ पे इससे भी हमें कंट्रोल कर सकते हो या फिर अपना मोबाइल ऐप से भी हमें कंट्रोल कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, YCNN का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, उसको यहाँ पे इस स्लाइडर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप ये स्लाइडर को यहाँ पे टर्न ऑन कर लें, इसका पावर बटन को 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करके उसके बाद आप YCNN एप्लीकेशन से ये वाला जो स्लाइडर है उसको यहाँ पे बहुत ही आसान से कनेक्ट कर पाओगे। और जैसे ही आपका फोन ये स्लाइडर से कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो ब्लूटूथ इंडिकेटर है वो यहाँ पे टर्न ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले इसका ए एंड बी पॉइंट सेट करना होता है, ए पॉइंट इस तरफ है और बी पॉइंट इस तरफ है। तो अगर आपका ट्राइपॉड हेड बीच में रहता है तो आपको सबसे पहले ये जो एरो बटन है उसको यहाँ पे प्रेस करके इसका जो यहाँ पे हेड है उसको यहाँ पे एकदम ए पॉइंट पे लेके जाना है। तो ये हमारा हेड ए पॉइंट पर आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे अब ए पे प्रेस कर देंगे तो हमारा ए पॉइंट अभी सेट हो चुका है। अभी हम लोग सेम चीज करेंगे, इसका जो यहाँ पे ये वाला एरो है उसको यहाँ पे प्रेस करके इसका जो हेड है उसको यहाँ पे बी पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो ये हमारा बी पॉइंट पे आ चुका है तो हम लोग अभी इसको बी पे प्रेस कर देंगे तो हमारा ए एंड बी पॉइंट सेट हो चुका है। अभी आप वीडियो में जाओगे तो आप ये स्लाइडर को यहाँ पे टोटली कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ पे आप मैनुअली ए टू बी में जा सकते हो कुछ इस तरीके से या फिर आप जो है बी टू ए में जा सकते हो वापस इसको यहाँ पे प्रेस करके। आप बीच में जो है इस स्लाइडर को रोक भी सकते हो इसका पॉज वाला बटन को यहाँ पे प्रेस करके, या फिर आपको इसका मूवमेंट लूप में चाहिए तो आप जो ऑटो रन वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, उसके बाद इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पे लूप में चलता रहेगा। इतना ही नहीं, आप इसका जो स्पीड है उसको भी यहाँ पे 1 to 100% में यहाँ पे प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हो जो कि बहुत ही बड़ी बात है वीडियो क्रिएटर्स के लिए, जिससे आप इस स्लाइडर के जरिए और भी स्मूथली वीडियोस ले सकते हो। बात करें मोटर नॉइस की तो ये वाला जो स्लाइडर है वो यहाँ पे उतना ज्यादा नॉइज नहीं है, बहुत कम नॉइस करते हैं। ऑल्दो अगर आप इसका स्पीड को घटाओगे तो ये वाला जो स्लाइडर है वो थोड़ा ज्यादा नॉइज हो जाता है, बट मैक्सिमम स्पीड पे ये वाला जो स्लाइडर है वो यहाँ पे काफी कम नॉइज क्रिएट करता है।
इसके एप्लीकेशन में आपको कुछ टाइम लैप्स का फीचर भी देखना मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले बिकॉज मुझे टाइम लैप्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बट हाँ, आप इससे यहाँ पे टाइम लैप्स वाला जो फोटोज़ है वो भी आप कैप्चर कर सकते हो, उसका भी फीचर आपको इस स्लाइडर में देखने को मिल जाता है अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफर हो या फिर आप एक कोई स्लोमो वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हो कोई वेदर का। और भाई इस स्लाइडर से जो यहाँ पे शॉट्स आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, किसी भी तरीके यहाँ पे आपको शेक दिखने में नहीं मिलेगा आपके शॉट्स में, बहुत ज़्यादा स्मूथ वीडियो दिखने मिलेगा आपको यहाँ पे स्लाइडर से बिकॉज ये मोटराइज स्लाइडर है, तो आपका जो हैंड है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल होगा और आपका जो हैंड है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा एक कंसिस्टेंट स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करने में, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ वीडियोज मिलेगा अगर आप इस स्लाइडर को यहाँ पे यूज़ करोगे। तो ये कुछ सैम्पल शॉट्स जो कि मैंने इस स्लाइडर से लिया है, आप देख सकते हो इसका जो यहाँ पे मूवमेंट है एंड जो यहाँ पे ये शॉट्स है ये कितना ज़्यादा स्मूथ है एंड कितना ज़्यादा यहाँ पे ऑसम लग रहा है। तो शॉट्स यार बहुत ज़्यादा बटरी स्मूथ आता है, अगर आपको बटरी स्मूथ मूवमेंट चाहिए अपने वीडियोज़ में या फिर आपके प्रोडक्ट शूट्स में तो इस स्लाइडर को आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट इस स्लाइडर का एक बहुत बड़ा डाउन साइड ये है कि इस स्लाइडर को आप जितनी बार यहाँ पे टर्न ऑन करोगे उतनी बार ही आपको इसका जो ए एंड बी पॉइंट्स है उसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, किसी भी तरीके का यहाँ पे मेमोरी रिकॉल या फिर इंटीग्रेट मेमोरी का फीचर नहीं है इसमें, जो कि यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और यार इस स्लाइडर को खरीदने से पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा है वैसे इंडियन चॉकलेट एसी के बारे में एंड सरप्राइजिंगली एक सिंगल यूट्यूबर ने भी इस चीज़ को कवर नहीं किया है कि इसका जो यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट है उसको यहाँ पे हर बार सेट करना पड़ता है इस स्लाइडर को यहाँ पे ओपन करते टाइम, तो मैंने आपको बता दिया है बाकी आप देख लेना। बाकी सब ऑसम है स्लाइडर का, आई एम टोटली हैप्पी विद द स्लाइडर। पूरा स्लाइडर मेटल बिल्ड का है, यहाँ पे आपको एक नीच डिजाइन इतना मिल जाता है, साथ में ये जो स्लाइडर ये ऐप कंट्रोल्ड है एंड बैटरी पावर्ड है या फिर पावर बैंक पावर्ड है, तो यहाँ पे आपको वॉल सॉकेट वगैरह लगाना नहीं पड़ता है, एवरीथिंग इज टोटली कूल। बट एक और डाउन साइड स्लाइडर का ये है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का पैरालैक्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसके लिए आपको अलग से एक बर्गर ऐसे खरीदना पड़ेगा वाइस एन एन का बर्गर ऐसे पैन हेड, जिसका कॉस्ट आपको पड़ता है अराउंड 16,000 रुपए का। तो आने वाले दिनों में आपको कुछ ऑसम स्लाइडर शॉट्स देखने मिलेगा हमारे को वीडियो में, तो बने रहना ठीक है। ऑल्सो ये जो वाइस एन एन चॉकलेट ऐसी है ये स्लाइडर मुझे पड़ा है अराउंड 21,000 रुपीज का और ये टोटली वर्थ इट है गाइस, अगर आप मेरी जैसे यूट्यूब क्रिएटर हो जिनके यहाँ पे डेली वीडियो बनाना पड़ता है एंड आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं है बड़े बड़े स्लाइडर्स को यहाँ पे दो ट्राइपॉड पे सेट करने का या फिर गिम्बल्स को यहाँ पे सेट करने का, आपको एक कॉम्पैक्ट स्लाइडर ढूंढ जिसका आप सिंपली ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके यूज कर पाओ। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्लाइडर में एक क्विक रिलीज प्लेट को यहाँ पे माउंट किया है ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर पाऊँ एंड जरूरत के बाद मैं इसको यूज कर पाऊँ और इसी वजह से मुझे इस स्लाइडर को डेली सेटअप करने में किसी तरीके का प्रॉब्लम या फिर झंझट नहीं होता है। तो ये वॉइस एन एन का चॉकलेट ऐसे आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप डे टू डे यहाँ पे प्रोडक्ट वीडियोग्राफर हो या फिर आप मे बी एक ट्रैवल वीडियोग्राफर हो, तो आपके लिए भी ये जो स्लाइडर है ये बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकता है बिकॉज ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आप इसको बैग में डाल के यहाँ पे कहीं पे भी ले जा सकते हो बहुत ही आसानी। तो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट दी वॉइस एन एन चॉकलेट ऐसे गाइस, मुझे तो ये वाला स्लाइडर काफी बढ़िया लगा है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस तरीके का कॉन्टेंट अगर आपको आगे भी हमारे चैनल में देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में घंटा बताएंगे तो दबाना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। सॉरी अबाउट द लास्ट पार्ट गाइस, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।